नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। तो रीट लेवल वन का पेपर आपने मिला लिया होगा आंसर किसी से, ठीक है। तो अब आपके जो कट ऑफ हैं उसकी कट ऑफ की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो अनुमानित कट ऑफ हैं तो क्या रहने वाली है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। भैया रीट लेवल वन की जो कट ऑफ हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए कुल पद कितने थे यहाँ पर 21,000, ठीक है। कुल पद थे 21,000 और आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया था 212,259 अभ्यर्थियों ने पर आवेदन किया था 21,000 पदों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न आए थे 150 और अंक थे 300। तो आपकी जो कट ऑफ हैं वो 300 अंक से बनने वाली हैं। तो सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है तो सभी कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे, ठीक है। देखिए अपन ने यूट्यूब पर पोल किया था कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्वेश्चन की बात अपन ने की थी तो यहाँ पर 9,400 प्लस वोटिंग हुई थी। इसमें देखिए 80 से 90 के बीच में आए थे यहाँ पर 19% वोट और 90 से 100 के बीच में आए थे 20% और यहाँ पर 110 ही रह गए, ठीक है। 110 में आई थी यहाँ पर 16% और 110 से 120 में आई थी यहाँ पर 35% वोट, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी 35% 110 से 120 के बीच में। इसके बाद देखिए यहाँ पर 120 से 130 तो यहाँ पर 10% वोट हुए थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करें नॉन टीएसपी की, ठीक है। नॉन टीएसपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए सबसे पहले देखिए जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर फॉर्म थे यहाँ पर 42,737, ठीक है। टोटल फॉर्म कितने थे 42,737। अब क्वेश्चन आपके कितने यहाँ पर सही हो रहे हैं तो देखिए वो आप कर लेना। देखिए इसकी जो जनरल कैटेगरी है तो जिसके भी 108 से 113, ठीक है, एक दो नंबर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो जिसके भी 108 से 113 के बीच में हैं वो आप जनरल कैटेगरी में सेफ स्कोर में, ठीक है। और नंबर देखिए 216 से 226, तो ये थी बात जनरल कैटेगरी की। अब देखिए ओबीसी के अंदर देखिए यहाँ पर फॉर्म थे 77,770, ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ है 103 से 108, ये तो नंबर हो गई और ये तो हो गई क्वेश्चन 103 से 108 और नंबर 206 से 216। इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में फॉर्म थे यहाँ पर 22,863, ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है 98 से 103, जिसके भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप सेफ जोन मान सकते हो, वो नंबर 206। इसके बाद देखिए एमबीसी में 12,350 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ठीक है, और इनके कट ऑफ भी ईडब्ल्यूएस के बराबर रहती है, लेकिन इस बार आप ज़्यादा मान सकते हो क्योंकि फॉर्म कम थे, तो यहाँ पर एक दो नंबर आप ज़्यादा कर लेना, ठीक है। और इसके बाद देखिए एससी की जो कट ऑफ है तो देखिए सबसे पहले फॉर्म तो यहाँ पर 27,540 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे एससी कैटेगरी में। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 92 से 97, ठीक है, 92 से 97 जिसके क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप सेफ जोन में हैं, और नंबर देख लीजिए यहाँ पर 184 से 196, ठीक है, क्वेश्चन हो गए 92 से 97 और नंबर हो गए 184 से 194। एसटी कैटेगरी में देखिए 28,896 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो यहाँ पर 87 से 92 तक टॉप रह सकती है और नंबर आप 174 से 184 मान सकते हो, ठीक है। सहरिया में फॉर्म भरा गया था यहाँ पर 99। तो ये तो हो गई नॉन टीएसपी क्षेत्र की, ठीक है, कुल आवेदन कितने थे 212,269 और फॉर्म पत्ते यहाँ पर 21,000, ठीक है 21,000। अब बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र की, देखिए टीएसपी कट ऑफ तो जनरल कैटेगरी में आप 90 से 95 क्वेश्चन मान सकते हो और नंबर 180 से 190। एससी में देखिए 80 से 85 और 160 से 170 नंबर। एसटी में देखिए 75 से 80 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर 150 से 160 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये हो गई नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आलिया एग्जाम क्विज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।